आज का ये वीडियो जो डायबैक्सी का ये वाला वीडियो था उसका कंटिन्यूएशन है, और आज हम डिटेल में और डेप्थ में जाके ये देखेंगे कि वैसे तो डायबिटीज की डाइट में कोई राइस नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कभी चीटिंग करना हो तो कौन सा राइस खाएं और किस तरीके से खाएं कि इसका ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट सबसे कम हो। तो आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट टू देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। तो जितना डिटेल में जाएंगे उतनी चीजें आपको क्लैरिटी से दिखाई देंगी। तो लाइफ में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा डिटेल में जाएं। लाइफ में आगे बढ़ना है तो डिटेल में जाएं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो राइस तो आज हमने पकड़ लिया, राइस की डिटेल में जाते हैं। तो हमने देखा कि राइस में 80% कार्बोहाइड्रेट है, तो 80% कार्बोहाइड्रेट आया कहां से, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो राइस का जो प्लांट है उसमें क्लोरोफिल होता है सेल्स के अंदर, और जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज बना देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो प्लांट यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज बना लेता है, और वो ग्लूकोज की एक चेन बनने लगती है। एक ग्लूकोज, 2, 3, 4, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे ग्लूकोज की लंबी चेन बन जाती है। एक राइस के दाने के अंदर ऐसे ग्लूकोज की लंबी चेन होती है। जो ग्लूकोज की जो लंबी चेन होती है इसको स्टार्च कहते हैं, और राइस में दो टाइप के स्टार्च होते हैं। एक जो चेन होगी वो ऐसे लंबी होती है, और वो ऐसे मुड़ी होगी जैसे ये आपका टेलीफोन का वायर होता है तो सीधा, लेकिन ऐसे कॉइल्ड रहता है, तो कॉइल्ड होने के कारण बहुत लंबा तार एक छोटी जगह में कॉम्पैक्ट करके आ जाता है। तो ऐसा ही राइस में एक स्टार्च होता है जो टेलीफोन वायर के जैसा होता है, मुड़ा मुड़ा सा, गोल 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 सा, लेकिन है सीधा। तो इसको कहते हैं, इस स्टार्च को कहते हैं अमाइलोज, अमाइलोज स्टार्च, ये एक टाइप का स्टार्च हुआ। दूसरा स्टार्च जो होता है राइस के दाने के अंदर वो होता है कि वो ब्रांच्ड होगा, मतलब एक चेन चलेगी और उसके साइड में से 20-30 ग्लूकोज निकल जाएंगे, फिर आगे चलेगी फिर 20-30 ग्लूकोज निकल जाएंगे, फिर 20-30 ग्लूकोज निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड जो स्टार्च इसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो एक हो गया अमाइलोज, एक हो गया अमाइलोपेक्टिन, ये राइस में होता है। तो जो अमाइलोज वाला जो स्टार्च है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो डायबिटीज के लिए ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, और ये डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा कैसे कि जब ये हम खाते हैं और हमारे पेट में जाता है, इसको डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन कैसा, एंजाइम्स आते हैं पेट में से निकलते हैं वो एंजाइम, और उसको काटते हैं डाइजेशन के लिए ना, ब्रेक डाउन होता है। तो जो ब्रांच्ड है अमाइलोपेक्टिन, उसके जो ये उंगलियां सी जो बाहर निकली हुई हैं, तो इसको काटना एंजाइम के लिए ईजी हो जाता है। तो फटाफट ग्लूकोज ये रिलीज कर देता है ये अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है और जल्दी रिलीज करता है, इसलिए अमाइलोपेक्टिन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है हाई होता है और वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। लेकिन जो अमाइलोज है वो तो कॉइल्ड है एकदम टेलीफोन वायर जैसा, उसको काटते हैं तो उसमें से ग्लूकोज आसानी से रिलीज नहीं होता, धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है, क्योंकि लंबी चेन है और कॉइल्ड चेन है तो आसानी से नहीं टूटता, इसलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अब अगर हम एक राइस के दाने को देखें तो इन जनरल उसमें 20% अमाइलोज वाला स्टार्च होता है और 80% अमाइलोपेक्टिन वाला स्टार्च होता है, 20% अमाइलोज वाला और 80% अमाइलोपेक्टिन वाला। तो जिस राइस में जितना ज्यादा अमाइलोज वाला स्टार्च होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो जितना ज्यादा अमाइलोज होगा उतना बढ़िया राइस वो डायबिटीज के लिए होगा, और जितना ज्यादा अमाइलोपेक्टिन होगा उतना डायबिटीज के लिए बेकार होगा। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि किस राइस में अमाइलोज ज्यादा है
और किस राइस में अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है। तो ये अगर हम डिस्टिंग्विश कर लें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का, तो इससे हमें बड़ा आसान हो जाएगा डायबिटीज में ये समझना कि कौन सा राइस ज्यादा अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि डायबिटीज में जो फर्क पड़ रहा है वो वाइट राइस या ब्राउन राइस या ब्लैक राइस से नहीं पड़ रहा, राइस के कलर से उसके ग्लाइसेमिक लोड पे फर्क नहीं पड़ रहा, राइस में जो कंपोजिशन है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का उस पे फर्क पड़ रहा है। तो अगर हम राइस को देखें तो अमाइलोज का जो कंटेंट है, कितना अमाइलोज हो सकता है उसमें 2% से लेके 30% तक, जो कार्बोहाइड्रेट, जो हम 80% कार्बोहाइड्रेट है ना उसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 2% से लेके 30% तक आप ये समझ लीजिए कि अमाइलोज हो सकता है, और फिर 98% से लेके 70% तक अमाइलोपेक्टिन हो सकता है। तो लाखों वैरायटी हैं, लाखों वैरायटी में लाखों टाइप के कंपोजिशन आपको दिखाई देंगे। अब ये फिर हम बड़ी दुविधा में आ गए यहां पे तो साइंस के चक्कर में कि भाई अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन तो राइस पे लिखा ही नहीं होता, ये तो दुकानदार को भी नहीं पता होता, जो आप राइस खरीद के लाते हैं उसका कैसे पता लगेगा कि अमाइलोज कितना है अमाइलोपेक्टिन कितना है, ये तो समस्या हो गई ना। तो जनरल आदमी कैसे पहचाने, तो लेबोरेटरी का काम हो गया, बाहर तो कहीं पता नहीं चलता। तो अब इसका दूसरा मेथड, सिंपल मेथड, डायबेक्सी हमेशा आपको सिंपलीफाई करके चीजें बताता है। तो ये पता कैसे लगाएं कि कौन सा राइस डायबिटीज की डाइट में सबसे ठीक रहेगा, तो उसका सिंपल तरीका है कुक करने के बाद में। जब आप राइस को कुक करेंगे तो कुकिंग के बाद में अगर राइस के दाने अलग अलग बिखरे बिखरे से रहते हैं, इसका मतलब उसमें अमाइलोज ज्यादा है और वो डायबिटीज के लिए अच्छा है। राइस कुक होने के बाद जितना स्टिकी बनेगा, जितने उसके दाने आपस में चिपके रहेंगे, उतना ज्यादा डायबिटीज के लिए बेकार है। तो जब अमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है तो राइस स्टिकी बनता है, और जब अमाइलोज ज्यादा होता है तो राइस ऐसा बिखरा बिखरा सा बनता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि कौन सा राइस है जो बिखरा बिखरा बनता है। तो सबसे बढ़िया राइस जो बनता है वो है बासमती राइस। बासमती राइस के भी बहुत सारे वैरायटीज आती हैं। तो पता कैसे लगाएं कौन सा राइस सबसे बढ़िया है, तो बड़ा आसान हो गया, कुक करके देख लीजिए। कुक करने के बाद में अगर दाने खिले खिले बनते हैं तो राइस डायबिटीज के लिए ठीक है, अगर दाने चिपके चिपके बनते हैं तो राइस ठीक नहीं है। अब चाहे राइस ब्राउन है, चाहे ब्लैक है, चाहे ब्लू है, चाहे वाइट है, चाहे लंबा है, चाहे पतला है, मोटा है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमें बस ये देखना है कि पकने के बाद, कुकिंग के बाद राइस जो है कितना खिला खिला बन रहा है। तो उसके बेसिस पे आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये डायबिटीज की डाइट के लिए ठीक है। तो ये हमने पता लगा लिया कि कौन से वाला राइस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि राइस का ग्लाइसेमिक लोड चाहे कोई सा भी हो, कंपैरेटिवली ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो जब भी यूज़ करें तो राइस को देख कर ही यूज़ करें, क्योंकि ये डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा। तो चलिए अब हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो ये राइस हमने सेलेक्ट किया, इस राइस को कैसे खाएं। तो इसका मतलब बनाएं कैसे, रेसिपी क्या क्या तैयार करें कि जो ये कम से कम डैमेज दे डायबिटीज में। तो एक तरीका तो ये हो गया कि राइस में आप घी मिलाएं, घी का ग्लाइसेमिक लोड जीरो होता है। तो अगर राइस में आप घी मिलाएंगे तो वो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसका ग्लाइसेमिक लोड कम करने में आपकी मदद करेगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जो राइस है उसमें आप घी मिलाएं। दूसरा, राइस को सब्जी के साथ खाएं, क्योंकि राइस को अगर आप दाल के साथ खाएंगे तो दाल का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है और सब्जी का ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो राइस में सब्जी मिला के खाएं, और राइस की क्वांटिटी कम रखें और सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, तो इससे ओवरऑल जो कंपोजिशन होगा उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। तो अब इस टाइप का आइडियल प्रोडक्ट क्या बना आपका, कि भाई आपने राइस ले लिया, उसमें घी मिला दिया और उसको सब्जी के साथ खा लिया। तो अब एक समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए आपने बासमती राइस का वेजिटेबल पुलाव बनाया,
तो बासमती राइस फैला फैला रहेगा, वेजिटेबल उसमें मिक्स हो जाएगी और उसमें आपने घी डाल के खा लिया तो इसका डैमेज कम होगा। लेकिन फिर भी मैं यहां कहना चाहता हूं कि डाइट में अगर आप राइस ऐड कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक मील का, सिंगल मील का ग्लाइसेमिक लोड ही 15 से 20 हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा इससे। लेकिन ये कभी कभी अगर आप लिबर्टी लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसकी लिबर्टी ले सकते हैं। राइस की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। अब जैसे कि जो राइस खीर के लिए होता है तो वो मोटा राइस जो चिपचिपा बनता है वो खीर में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो जो मिल्क है उसको एब्जॉर्ब करके वो गाढ़ा हो जाता है और चिपचिपा बनता है। इस कारण राइस जो खीर में यूज होगा वो डिफरेंट होगा। खिचड़ी का राइस डिफरेंट होता है क्योंकि खिचड़ी भी थोड़ी सी चिपचिपी चाहिए होती है। पुलाव का राइस डिफरेंट होता है, पुलाव बासमती पे बनाते हैं क्योंकि फैला फैला बनता है। तो हर एक पर्पस के लिए डिफरेंट राइस यूज होता है, इसीलिए हजारों लाखों वेराइटीज अवेलेबल हैं। आप वो सुशी खाते हैं इसका, जापानीज जो बनाते हैं वो एकदम स्टिकी राइस होता है, तो उसमें भी अमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है, इसी कारण वो स्टिकी बन रहा है। तो जब भी आप राइस देखें तो आपको ये देखना है कि वो खाना जो पकाने के बाद वो कितना फैला हुआ बना हुआ है, उस टाइप के राइस को ही आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और राइस कोई भी यूज करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो डायबिटीज की डाइट का जो पिलर है वो क्या है कि डायबिटीज की डाइट किसके आसपास आप बना सकते हैं, वो है डायवेक्सी आटा। डायबेक्सी आटे का एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड एज पर जो उसके इंग्रेडिएंट है वो 7 के आसपास बैठता है 100 ग्राम में, और 100 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 4-5 रोटियां आप बना पाते हैं, और 4-5 रोटियां में पूरा दिन का काम चल जाता है। आपने एक ब्रेकफास्ट में खा ली, दो लंच में खा ली, दो डिनर में खा ली, तो इसमें सारा काम चल जाता है। और इसको वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लें तो इसका कंपोजिशन एकदम बढ़िया हो जाता है। तो डायबिटीज़ की डाइट कैसे बनाएं ये जानने के लिए आप डायवेक्सी का ये वाला वीडियो देखें, इसमें डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह की पूरे दिन की आपकी डाइट प्लानिंग होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने डायबिटीज़ में राइस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में सीखा। डायबिटीज से जुड़िए, कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा आपका। थैंक यू। डायबिटीज डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबिटीज के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, Flipkart समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, तो अब देर किस बात की, डायबिटीज आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा।